ओम नमः शिवाय। दोस्तों सभी को प्यार भरा नमस्ते। अगर अभी तक सारी रेमेडीज करके भी किसी भी चीज से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थकने लगे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही, मैनिफेस्ट कुछ करना चाह रहे हैं वो भी कर ही नहीं पा रहे, तो फिर मुड़िए अध्यात्म की तरफ। यानी कि आज मैं आपको एक ऐसी मुद्रा के बारे में बताने जा रही हूं जिस मुद्रा की रोज प्रैक्टिस आपके लिए क्या करेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी इंप्रूव कर देगी, आपके लिए पैसे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। यानी अपने शरीर की एनर्जी को बैलेंस करके आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह से अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, तो फिर इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए इस वाली मुद्रा की, जिस मुद्रा को बोलते हैं कुबेर मुद्रा, मनी मुद्रा। आप कुबेर मुद्रा की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, आप देखेंगे जीवन में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहेगी। यानी कि धन धान्य की जब बात आती है तो माता लक्ष्मी और कुबेर जी भगवान को ही प्रणाम किया जाता है, याद किया जाता है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए कुबेर मुद्रा आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जान लीजिए। कुछ बेसिक चीजें इसकी बताती हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ भी बताया और आपने वैसा करना शुरू कर दिया, जब तक माइंड उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, आपको रिजल्ट नहीं मिलता। कुबेर मुद्रा रिजल्ट क्यों देती है, या हैंड मुद्राएं रिजल्ट क्यों देती हैं? क्योंकि आपके शरीर के जो पांच एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर देती हैं। तो सेम वही चीज कुबेर मुद्रा के साथ है। कुबेर मुद्रा कोई भी वो व्यक्ति जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हो, कुबेर मुद्रा की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। हर व्यक्ति प्रैक्टिस करना शुरू कर सकता है। कैसे करेंगे आप कुबेर मुद्रा? देखिए, पहले कुबेर मुद्रा में हम इस्तेमाल करेंगे दो उंगली और अंगूठे का, ठीक है। अब थंब क्या होता है? ये जो थंब है ना, मार्स का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। ये हमारी उंगलियां, अंगूठा कोई ना कोई प्लैनेट को रिप्रेजेंट जरूर कर रहा होता है। तो थंब हमारा क्या करता है? मार्स का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल आपको क्या देता है? आपको फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, आपको करेज देता है, हिम्मत ताकत देने वाला ग्रह है, प्लैनेट है मार्स। तो ये है मार्स। ये वाली उंगली क्या है? गुरु की उंगली है। गुरु हमको क्या देते हैं? नॉलेज देते हैं, विजडम देते हैं। तो जितनी भी चीजें नॉलेज की होती हैं वो ये वाली फिंगर आपको देती है। नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअलिटी से जोड़े हुए रखती है ये वाली फिंगर। मिडिल फिंगर क्या करती है? मिडिल फिंगर सैटर्न की, शनि की उंगली है, शनि का प्रतिनिधित्व करती है। शनि क्या करते हैं? कर्म प्रधान प्लैनेट है, यानी कर्म करने को हमको प्रेरित करते हैं। यानी काम करो, कर्म करोगे तो कर्म का फल जरूर मिलता है। तो हम क्या करते हैं कुबेर मुद्रा में? आपने ये थंब लिया, मान लीजिए आप स्ट्रेट होके बैठ गए। आप सोफे पे भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं। जो नीचे बैठ के कर पाए वो नीचे मैट बिछा के इस मुद्रा को करेंगे, जो नहीं नीचे, बहुत सारे लोग नहीं बैठ पाएंगे, मुझे मालूम है, आप सोफे पे बैठ के भी इस मुद्रा को आराम से कर सकते हैं। दो तीन बार डीप ब्रीथ ले, सांस ले। डीप ब्रेथ लेने के बाद थंब से कनेक्ट करिए ये उंगली, फिर कनेक्ट कर दीजिए मिडिल फिंगर को भी थंब से। और ये वाली जो दो फिंगर है, ये वाली दो फिंगर, इनको नीचे, और ये यहां, ये दोनों यहां ऐसे। ये जो आपकी मुद्रा बनी ना, ये आपकी मुद्रा बनी है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा में आराम से ऐसे करके बैठिए। अब आप बैठकर क्या करेंगे? देखिए, एक बार में पूरी, एक दिन में मुद्रा की प्रैक्टिस कम से कम 45 मिनट्स होनी चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। लेकिन एक साथ 45 मिनट्स तो आप नहीं कर पाएंगे, तो शुरुआत में तो नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करें, 10-10 मिनट्स के शॉर्ट्स बना लें, या 15 मिनट्स का शॉर्ट बना लें। 15 मिनट हमने ऐसे बैठ के इस मुद्रा को करना शुरू कर दिया। अब हम क्या करेंगे? मन को बिल्कुल शांत रखना है, और कुबेर मुद्रा है तो कुबेर जी भगवान के मंत्र का जाप करना भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमको बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो कुबेर जी भगवान के कौन से मंत्र का जाप करेंगे आप? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। कैसे बोलेंगे? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। ये आपका कुबेर जी भगवान का मंत्र हो गया।
आराम से ऐसे करके कुबेर मुद्रा में बैठ जाए, सोफे पे बैठ जाए, चेयर पे बैठ जाए, और नीचे बैठ के करें तो नीचे बैठ के करें, और इस मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं। पूरा फोकस अपना रखें कि मुझे बहुत, मैं कुबेर जी भगवान के आगे अपने आप को समर्पित करती हूँ, कुबेर जी भगवान आप मुझे अपने मेरे इस जीवन में धन धान्य दौलत नेम फेम सब कुछ दे। इस मंत्र का ये मीनिंग होता है। इस मंत्र को जाप करते जाइए और विजुलाइज करते जाइए कि अब मेरी लाइफ में सारी चीजें आना शुरू हो रही हैं। तो इस तरह से ये कुबेर मुद्रा आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद जो लोगों को भी ऐसा लगता हो कि मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इस मुद्रा को करना शुरू करिए। ये मुद्रा आपको जादू की तरह रिजल्ट देना शुरू करेगी। ये हमारा प्राचीन साइंस है, ये योग और मेडिटेशन में यूज होता है, लेकिन ये हमारा बहुत प्राचीन साइंस है। इसको यूज करके देखिए। एक चीज और इससे रिलेटेड, इस मुद्रा से रिलेटेड बताती हूं। डेली तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही, लेकिन इस मुद्रा की खासियत ये है कि जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए आपको जाना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, इस मुद्रा की 15 मिनट प्रैक्टिस करके आप जाइए। क्या रिजल्ट होगा? जिस भी काम में आप जा रहे होंगे उसमें सफल जरूर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये मुद्रा आपके शरीर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ा देगी, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ा देगी, जो ब्लॉकेजेस है उनको रिमूव कर देगी। तो किसी भी काम को करने में जो हर्डल, जो ब्लॉकेज आ रही होगी, वो पहले ही रिमूव आपके शरीर से होगी। तो जब भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, इंपॉर्टेंट डील के लिए, बिजनेस डील के लिए, मनी के लिए, कोई भी खास काम करने जा रहे हो, तो ये जो कुबेर मुद्रा है इसकी प्रैक्टिस 15 मिनट के लिए इसको करके जाइए। ठीक है, 15 मिनट रोज करके, रोज करेंगे तब तो करना ही है आपको, लेकिन काम के वक्त जरूर इसको करके जाए। आप देखेंगे जिस भी काम की सोचकर आपने ये मुद्रा की है, उस काम में सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ऐसी होती है कुबेर मुद्रा। कुबेर मुद्रा के यूं तो बहुत ही सारे बेनिफिट्स हैं, पर आज मैं मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बता रही हूं, तो मनी से रिलेटेड ही चीजें ज्यादा बता रही हूं। कुबेर मुद्रा की प्रैक्टिस आपको मनी के अलावा बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देगी, जैसे कि नॉलेज, आपकी मेमोरी, फोकस, कंसेंट्रेशन आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप इस मुद्रा की प्रैक्टिस करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु की उंगली बैलेंस कर रहे हैं, एनर्जी बैलेंस हो रही है। ठीक है, मेमोरी फोकस आपका बढ़ेगा, विल पावर आपकी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी। विल पावर स्ट्रांग जिसकी होगी वो कुछ भी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है। किसी भी तरह की कोई इच्छा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने आप होना शुरू हो जाएगी। साथ में एनर्जी का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, एनर्जी फ्लो अच्छा होगा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी। यानी जो व्यक्ति बहुत निगेटिव है ना, वो भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो उनके शरीर में होना शुरू अच्छे से हो गया है। साइनस में यूजफुल है, स्टमक इंडाइजेशन में यूजफुल है, इन सारी चीजों में। तो ये साइड बाय साइड आपको अपने आप ही रिजल्ट मिलने लगेगा जब आप कुबेर मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे। आप भले ही मनी और बिजनेस के लिए इसको कर रहे हो, लेकिन कुबेर मुद्रा आपके शरीर पे भी इतना रिजल्ट देगी। कुबेर मुद्रा आपको फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही अच्छी मुद्रा है। कुबेर जी भगवान का मंत्र बताया, कुबेर जी भगवान की मुद्रा बताई, साथ में कुबेर जी भगवान का कार्ड, जो मेरे अपने बनाए हुए कार्ड हैं, पर अगर मैं ये कहूं मेरा अपना बनाया हुआ है तो ठीक नहीं है। कुबेर जी भगवान की प्रेरणा से बने हुए कार्ड्स हैं जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बताती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे कार्ड्स मैंने बनाए हैं। सबसे पहला कार्ड मेरा कुबेर कार्ड है, कुबेर जी भगवान की प्रेरणा से ही बना है, बहुत अच्छा कार्ड है। इस पे बना है कुबेर यंत्र, अपने पास रखिए कुबेर यंत्र, घर के मंदिर में रख लीजिए, अपने पर्स में रखिए कुबेर यंत्र, रखिए कुबेर जी भगवान के मंत्र का जाप करते रहिए। पैसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को खुद ब खुद आप सॉल्व कर लेंगे। जब कहीं से भी रास्ता ना मिल रहा हो तो मुड़ आइए अध्यात्म की तरफ और देखिए इस मुद्रा का जादू। तो साथियों, मैं हूं शालिनी, अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक सबको नमस्ते।